आप सब कैसे हैं बच्चों? टेंथ क्लास, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका आज ये तीसरा अवतरण है, तीसरा पैराग्राफ जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। तो पहले के दो पैराग्राफ में हमने बताया था कि लास्ट वाली पंक्तियों में जो परशुराम हैं वो बोलते हैं कि लक्ष्मण राजकुमार, आप ये नहीं जानते कि मेरा ये जो फरसा है इतना ज़्यादा, परशु जो है इतना ज़्यादा भयंकर है कि इसकी मात्र गर्जना या आवाज़ से जो गर्भवती महिला है, यानी कि महिला स्त्री, उसके पेट में जो पल रहा शिशु है वो भी इसकी आवाज़ या गर्जना मात्र से नष्ट हो जाता है। तो अपने बारे में इतनी सारी बातें जब परशुराम जी ने बताया राजकुमार लक्ष्मण जी को, तो अब लक्ष्मण जी बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं कि बिहसे लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। महाभट का मतलब होता है एक पराक्रमी योद्धा, वीर। तो बिहसी मतलब हंसते हुए, यानी कि लखन जो है, लक्ष्मण जी जो है वो हंसते हुए अत्यंत ही मृदु, मृदु मतलब कोमल, पोलाइट, कोमल और मीठी वाणी में बोलते हैं। वाणी मतलब बोलना, वाणी को कहा जाता है कि अहो मुनीसु महाभट मानी, यानी अहो यानी हे महामुनि, हाँ परशुराम जी आप तो बहुत पराक्रमी महाभट हैं, यानी कि योद्धा हैं, ऐसा माना जाता है, जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं कि आप अत्यंत पराक्रमी वीर क्या है, महाभट है, योद्धा है। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फू की पहारू। पहारू मतलब पहाड़, चहत मतलब कि चाहते हैं, उड़ावन मतलब उड़ाना, और फू की मतलब ऐसे फूक देना। तो अब यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि पुनि पुनि मोही, यानी बार बार मुझे आप अपना ये जो कुल्हाड़ा है, जो फरसा है, उसको आप दिखा रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि जैसे मानो फूक मात्र से आप पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो बच्चों क्या ये कभी संभव है कि आप फूक दीजिए और पहाड़ जो इतना विशालकाय है, पर्वत, वो उड़ जाए? तो ये असंभव है। तो यहीं पे उदाहरण देते हुए लक्ष्मण जी एक प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि मानो आप केवल अपने फूक मात्र से पहाड़ को, जो अचल पर्वत है, उसको आप उड़ाना चाहते हैं। आगे देखिए, ईहा कुंभड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। अब कुंभड़ बतिया, इसका मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब होता है एक एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसको कि आप स्पर्श करते हैं और वो मुरझा जाता है, जिसको छुई मुई का पौधा कहा जाता है। और ये कुंभड़ बतिया यहाँ पे कहेंगे, इस संदर्भ के अर्थ में हम लेंगे, छुई मुई का पौधा ना लेके हम कह सकते हैं कि अत्यंत कमजोर व्यक्ति, निर्बल या दुर्बल। और तर्जनी दिया है, तो तर्जनी अंगूठे की ये जो पास वाली उंगली होती है, इसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। तो अब यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ कुंभड़ बतिया को उनाही, मतलब यहाँ पर कोई छुई मुई के पौधे के समान इतना कमजोर या निर्बल या दुर्बल व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। जे तर्जनी देख ही मरी जाही, जो कि आपकी तर्जनी उंगली देख कर ही क्या होगा, मर जाएगा। यानी कि एक प्रकार से प्रत्युत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर आप इतने पराक्रमी वीर योद्धा हैं, तो यहाँ पर भी उपस्थित जो राजकुमार, अर्थात कि मैं जो हूँ, इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि केवल आपका कुल्हाड़ा या आपकी तर्जनी उंगली देख करके मैं डर जाऊँ या आप मुझे नष्ट कर दें। आगे देखिए, देख ही कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब सरासन मतलब होता है धनुष, सरासन कहा जाता है धनुष, बाना यानी बाण। तो अब यहाँ पे जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि देख कुठार, मतलब आपके हाथ में फरसा या कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी देखकर, और धनुष बाण जो आपने धारण किया हुआ है उसको देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मतलब मैंने कुछ भी कहा, अभिमान पूर्वक कहा। क्या कहा, यानी आपने जो ये धारण किया हुआ है, जो शस्त्र धारण किया है, इसी को देख कर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कुछ भी कहा है। तो भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, यानी भृगुसुत यानी भृगुवंश के जो सुत मतलब होता है पुत्र,
तो समुझी जनेऊ, यानी कि आपको समझ कर और आपने अपने कंधे पे क्या धारण किया है, जनेऊ। जनेऊ कहा जाता है जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं उसको जनेऊ कहा जाता है। तो ब्राह्मण भी थे परशुराम जी, पंडित थे। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हे भृगुसुत, यानी कि हे महर्षि भृगु के पुत्र, आपको पंडित जान करके, क्योंकि आपने अपने कंधे पे क्या धारण कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है, उसको देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, यानी इतना सब कुछ देखकर मैं अपने आप को अगर रोका हूँ अपने क्रोध को, तो इतना सब कुछ देखकर, यानी इतनी जो आपकी बातें, जो आपने बढ़ चढ़ कर अतिशयोक्ति बातें बताई हैं, तो आपके आपका जो ये वस्त्र है या जो भी आपने शस्त्र धारण कर रखा है उसको देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, मतलब जो कुछ भी आपने कहा है, तो आपका ये जो रूप, मतलब रूप कहेंगे, मतलब कि जो आपका ये जो होता है, तो लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, रिस मतलब गुस्सा क्रोध, तो जो कुछ आपने बताया है अपने बारे में, तो उसको मैंने ब्राह्मण और आपको पराक्रमी योद्धा जानकर, क्योंकि आपने शस्त्र और जनेऊ वगैरह, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो कुछ भी आपने अपनी बातें बताई हैं अपने बारे में, तो आपका ये पहनावा देखकर, क्योंकि आप हैं पंडित और आपने एक पराक्रमी योद्धा की भांति शस्त्र धारण कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है, तो इतना सब कुछ देखकर जो आपने जो कछु कहूँ, यानी जो कुछ भी आपने कहा है उसको सहो रिस रोकी, उसको मैं सहन कर गया, अपने गुस्से को क्रोध को मैं रोक लिया। क्यों रोक लिया, आगे देखिए, सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, यानी हमने अपने क्रोध को गुस्से को इसलिए रोका है, या गुस्से को क्रोध को मानो एक प्रकार से पी लिया। क्यों, क्योंकि सुर महिसुर यानी कि देवता पे और भक्त पर, हरिजन मतलब भक्त, और जो देवता है और जो पंडित है, ब्राह्मण है, महिसुर यानी कि जो ब्राह्मण होता है, और जो गाय है, इनके ऊपर हमारे कुल इन पर ना सुराई, यानी हमारे कुल या वंश की ये परंपरा है, रीति है कि हम इन पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाते। किसके किसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाते हैं, देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर हम कभी भी शस्त्र नहीं उठाते हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बातों को क्या किया है, सहन किया है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी भी क्रोधी स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के भी थे, और परशुराम जी भी उग्र स्वभाव के थे, तो यहाँ पर दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच में वाक चातुर्य के माध्यम से, यानी वार्तालाप संवाद हो रहा है, जिसमें कि हर तरफ से प्रश्नोत्तर बराबर से किया जा रहा है। आगे देखिए, बधे पापु अप कीरति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। अब इस लाइन में फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बधे पापु अप कीरति, यानी कि बधे मतलब बध करना, मारना, अगर मैं आपको मारता हूँ तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये रीति नहीं है कि किसी ब्राह्मण पर शस्त्र का प्रयोग किया जाए या उसका वध किया जाए, तो हमें पापु मतलब पाप लगेगा, और अप कीर्ति का मतलब होता है अपयश, यानी और अगर मैं युद्ध में आपसे हारता हूँ तो मेरी अप कीर्ति फैलेगी चारों तरफ, या अपयश फैलेगा, और मारते हूँ पाप परिये तुम्हारे, इसलिए अगर आप मुझे मारते हैं तब भी मैं आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। फिर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर रहू धनु बान कुठारा। ये लाइन बहुत खूबसूरत है, इसमें लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, कोटि मतलब करोड़ों, यानी करोड़ों जो आपके आपने ये जो वचन कहे हैं, कुलिस मतलब जो आपके ये कुटिलता पूर्वक जो वचन आपने कहे हैं वो क्या है, वज्र के समान है। तो हे मुनि व्यर्थ धरो, आपने व्यर्थ में, बेकार में ही ये धनुष बाण और ये जो कुल्हाड़ा आपने, कुल्हाड़ी धारण कर रखा है, वो व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि वो कह रहे हैं परशुराम से कि मुनि आपकी ये जो वाणी है, जो आपका जो बोलने का जो वाणी है, बोलने का जो तरीका है, या जो आपके शब्द हैं, वो करोड़ों वज्र के समान है, यानी इतने ज़्यादा कठोर है
कि वो सुनते मान ही अगला व्यक्ति क्या हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, तो आपने व्यर्थ में ही, बेकार में ही ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ी धारण कर रखी है। अर्थात आपको शस्त्रों की ज़रूरत नहीं है, आपकी वाणी ही इतनी तीखी है और वज्र के समान कठोर है कि आप किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकते हैं या परास्त कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे क्या कहा गया है इन दोहों में, दो लाइन में, कि जो बिलो की अनुचित कहे उच्छमहु महामुनि धीर। अब इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको महामुनि जानकर अगर कुछ आपके बारे में अनुचित, यानी आपको देखकर, बिलोकी मतलब देखकर, अगर आपके बारे में कुछ अनुचित हमने कह दिया है आपको, या हमसे कहा गया है आपको अनुचित कुछ हमने कह दिया है या आपका अपमान कर दिया, तो हे महामुनि, हे जो धीरज धारण करने वाले पराक्रमी मुनि, आप मुझे क्या करें, क्षमहु मतलब क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। और सुनी सरोज भृगु सम मनी बोले गिरा गंभीर। अब इतना सब कुछ सुनकर, सुनी सरोज यानी गुस्से से भर कर, अंतिम वाली पंक्ति में यहाँ पे परशुराम जी बोलते हैं, सुनी मतलब सुनकर, इतनी सारी बातें लक्ष्मण जी बता रहे हैं। तो जब वो लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मुनिवर, आप जो धैर्यवान हैं और आप मुझे माफ़ कर दें, क्षमा कर दें, अगर मैंने आपके बारे में कुछ अनुचित कह दिया है, तो इतना सुनकर सरोष मतलब कि गुस्से से भरे हुए भृगुवंश मणि मतलब भृगुवंश के जो मणि हैं, जो भृगुवंश के जो, तो बच्चों जो भृगुवंश के मणि है, अर्थात जो भृगुवंशधारी है महर्षि जमदग्नि के पुत्र जो हैं, ऐसे परशुराम जी, वो गिरा मतलब वाणी होता है, गंभीर मतलब गहरी, यानी अपनी बहुत ही गहरी या गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस पैराग्राफ का, अवतरण का ये अर्थ हमने ये आपको समझा दिया है। अब वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो अब परशुराम जी इसके बारे में, इसके बदले क्या प्रत्युत्तर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़िएगा, समझिए, वीडियो देखिए, और कोई दिक्कत होगी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।